इससे मैं लुधियाना शहर के सिंगल विंडो कहते हैं जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पुलिस की तरफ से, तो यहाँ पर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जो चोरी करते हैं। कौन है चोरी करने वाले? वो लोग हैं जो माइग्रेंट हैं, जो कुछ बिहार से है, कुछ बंगाल से है, कुछ यूपी से है। वो लोग सब आजकल मिलकर देखिए उनकी उनमें एकता कितनी है, वो हरियाणा से भी है। तो देखिए यहाँ पर ये मैं ये लेकर चलता हूँ आपको, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस विच में इन्वॉल्व रहे हैं और कई बार ये जेल जाकर गया है।
पहले भी ना नाल वारदाता वगैरह भी शामिल रहे हैं और ये छोटी छोटी वारदातें जिहड़ी है फिर भी करते रहे बेचारे, कई बार जाकर के किसी दुकान के शटर इन्हों ने तोड़ करके उसमें कोई किराने का समान तेल अपने रहन सहन की जुड़ी हुई चीज़ा दे रही हैं पैसे उसके गले निकालते रहे तो मोबाइल स्नैचिंग के भी इन्वॉल्व रहे तो इन्हों का मोडस ऑपरेंडी होता है कि जो वारदात करने के बाद कुछ दिनों के लिए नोएडा गाजियाबाद दिल्ली के एरिया पहुंचा उसे जा करके इन वालों उसे रहना कुछ ऐश परस्ती करनी जो पैसे मुक जाने फिर वापस आ जाना इतने आ करके नवा जोड़ा है अपने घर या कोई बोली वगैरह चली है कमरा एक किराए से ला लेना है सारे ने मिल करके और फिर जी नवी कोई वारदात या कोई छोटी छोटी हो गई है सो दीपक ज़्यादा बहुत इन्वॉल्व इन दिनों बैंक जी ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 126/22 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 315 ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਨਾਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦੇ ਅਨਿਕ ਲਾਲ ਰਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ दीपक यादव साढ़े को ऑलरेडी रिमांड से चल रहा है और ये भी जी असी अगे पूछगिछ करते पे हैं और जी खुलासे जो कि इसमें दिते हैं जो बंदे इन्होंने शामिल पाए गए ये एक बंदे का नाँ आया है राहुल जरा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है जोड़ा कल मौके पर पहुंच गया तो दिलीप एक है जोड़ा गाजियाबाद का रहने वाला है ये दोनों बंदे पहले कुछ दिन पहले जसपाल पांगड़ पिंड किराए पर रहते रहे तो ओवरऑल जोड़ा अगर देखा जाए ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਜੋ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਢੰਡਾਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ 35 ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और देखिए जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह जहाँ हमारे लुधियाना में इंडिया में पंजाब में जो IPS ऑफिसर होते हैं पुलिस ऑफिसर होते हैं किस तरह क्रिमिनल के पकड़े जाने के बाद उनका वो विश्लेषण करते हैं उनको बताते हैं वीडियो को बताते हैं कि ये चोर पकड़े गए हैं और ये चोर जो पकड़े गए हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं और ये फोकल पॉइंट जहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पर वारदातें करते थे शटर तोड़ते थे और राहगीरों से जो लोग आने जाने वाले होते थे उनके मोबाइल छीन ले लेते मोटरसाइकिल छीन लेते थे अब पुलिस ने उनको पकड़ा है और पकड़े मीडिया के सामने पेश किया है मीडिया फिर खबरें लगाएगा लोगों को बताएगा कि ये लोग पकड़े गए हैं लेकिन चोर वही हैं उनके पास उनके ऊपर 5-5, 6-6 केस दर्ज हैं एक केस नहीं है पहले भी वो वारदातें करते हैं और उनका मुँह ढांप के लाया जाता है मुँह ढांप के लेकर चले जाते हैं दिखाते नहीं है कौन चोर है लेकिन नाम वगैरह सब इस समय उन्होंने बताए हैं उन लोगों के एक यूपी का है एक गाजियाबाद का है एक बिहार का है एक बंगाल का है एक कुरुक्षेत्र हरियाणा का है इस तरह देखो उनमें एकता है इस तरह वो सभी लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं देखिए एकता है ना उनमें देखिए चोरों में कितनी एकता है कोई हरियाणा का है कोई बंगाल का है कोई यूपी का है कोई बिहार का है सब मिलकर काम करते हैं लेकिन हमारे लोग हैं जो मिलकर काम नहीं करते और देखिए यहाँ पर ये पुलिस कमिश्नर के सामने ऑफिस है अब देखिए वो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को क्रिमिनल आएंगे या नहीं आएंगे लेकर आएंगे या नहीं आएंगे जो पकड़े गए हैं चलो फिर भी मैंने जो देखा वो आपको दिखाया अगर आ जाएंगे तो मैं दिखा दूंगा नहीं तो हम चलते हैं भैया गर्मी बहुत है या सोशल मीडिया भैया सोशल मीडिया का ज़माना है आप भी पत्रकार हैं आप भी ऐसे फ़ोटो खींच कर डाला करो अरे चोरों की हिम्मत मत देखो आप भी हिम्मत वाले हैं आप भी हिम्मत करो किराने की दुकान लूटना अरे यार रात को राशन पानी की ज़रूरत होती तब वो लूट लेते थे मोबाइल की ज़रूरत होती मोबाइल लूट लेते थे मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती मोटरसाइकिल लूट लेते थे आप पकड़े गए हैं अंदर रहेंगे
रोटी खाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर बाहर याद करेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ते हैं, वो छूट कर आ जाते हैं अदालत से, वकील भी उनके साथ हैं, जमानत करने के लिए तैयार रहते हैं, और जज साहब वैन भी उनको तरस खा जाते हैं, तो तभी तो अंदर बाहर होता रहता है। लेकिन चलो, हमने जो भी देखा दिखाया कि पुलिस कमिश्नर कौस्तुब शर्मा जी जो इस समय बता रहे हैं सारे मीडिया को कि हमने ये लोग टेरे पकड़े हैं जो वारदातें करते थे। धन्यवाद दोस्तों, जितना देखा उतना दिखाया। ओके।